इधर तो घुरा घुरा बोल जाना। बोझोर मेरा आज पूरा डे ना। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? कि आप लोगों ने मुझे बहुत याद किया और मैंने भी आप लोगों को बहुत याद किया, क्योंकि इन दिनों में वीडियोस नहीं बना रही थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ब्लॉग स्टार्ट हो जाए, बट मुझे बिल्कुल पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है। गाइस, ये सारी चीजें तो मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। और आपको पता होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। हाँ, मैं हूँ नेपाल में। तो आपको पता है कि मैंने इंडिया छोड़ दिया है कुछ सालों के लिए, बट मुझे इतना भरोसा है कि मैं इंडिया वापस जरूर जाऊंगी। बट अभी फिलहाल जब मैं नेपाल में हूँ और फिलहाल मैं अकेली हूँ, आपको शायद पता नहीं मैंने वो सारे ब्लॉग बनाए नहीं। मेरा हस्बैंड है बिजू, वो चला गया अपनी ड्यूटी पे वापस, और अभी मुझे यहाँ पे अकेले ही रहना है अपने इन लॉज के साथ। और इन लॉज में मेरे कौन कौन है वो तो आपको शायद मेरे वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे पता चल जाए। वैसे अभी फिलहाल मैं अपनी मम्मी के साथ रह रही हूँ, मदर इन लॉ के साथ रह रही हूँ, क्योंकि वो भी अकेली रहती है। सो अभी मैं और मम्मी यहाँ पे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए मेरी वीडियोस पे, और इसी तरह से मुझे अपने प्यार देते रहिए। और हाल ही में मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे अंदर थोड़ा होप आने लग गया है कि हाँ शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। अब मैं चाहूंगी कि मैं हर रोज वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं और यहाँ की अपडेट देती रहूं। और मैंने कुछ सोचा है, वो लेटर आपको पता चलेगा कि आपको शायद 0 भी बहुत पसंद है और आपको इंडिया के भी अपडेट चाहिए, तो इसके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ। बट एक बार डिसीजन हो जाए तो हम बताएंगे आपको। फिलहाल आज का व्लॉग यही स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के बारे में सोचा नहीं है तो जरूर सोचिएगा, एंड प्लीज शेयर अगर आपको ज्यादा ही अच्छा लगे तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बोजू मुझे इतना दूर लेके आई, और क्यों लेके आया पता चला कि पुदीना यहाँ पे उन्होंने एक जगह पे एक छोटे से बगान में पुदीना देखा है, तो इतने दूर से गए वो मुझे केवल पुदीना तोड़ने के लिए अपने साथ लेके आए। सीरियसली अभी मैंने बोला कि वो दूसरों का बागीचा है तो वहां से नहीं लेना, तो वो पूछने चली गई। लेता मामा त गाउँ गो जान्छ नि त, मामाले त्यहाँ पनि लिएर आउँथ्यो। त मलाई भन्नुथ्यो म त्यहाँ पनि लगाइदिन्थे। ए जा अब पुदिना लिनलाई यति दूर आउनुभयो, कति धुली छ है। तपाईँले के भनेर माग्नुभयो त्यो भाइलाई? उसके बाद उसने क्या बोला? तो गाइस, हमारी बोजू पहले इंडिया में रहती थी, तो बहुत साल तक, अभी वो नेपाल में ही है, तो लेकिन उनको हिंदी बोलने का बहुत शौक है, तो मुझसे ही वो हिंदी में बात करती है। बोजू आप हिंदी जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। थोड़ा जोर से बोलना है ना। या मैं मेरा कैमरा में सुनाना है ना, तो आपको लोग पसंद करेगा ना। तो नेपाल में हर एक चीज का इतना दाम देता है, तो बोझू हमने उधर में बहुत छोटा, इधर अच्छा है, यहाँ से पहले उठा लीजिए ना बड़ा बड़ा, ये इधर में इतना बड़ा बड़ा है, आप ऊपर चलाइए। गांव में क्या है? स्नेक, स्नेक बोलते हैं इंग्लिश में।
आप यहाँ में रोज आते हैं? सांप भी है, ऊंट भी है। क्या है? बाघ। मींस टाइगर। बाघ का बच्चे हैं। बाघ का बच्चा भी है। कुत्ता जैसे चल पड़ता है उस भी है। हाँ, घर में आएगा। घर में आएगा कौन? मुर्गी बोलता है। आप इंडिया आते हैं तो इतना अच्छा से मुर्गा मुर्गी। हाँ, इधर तो कुखड़ा कुखड़ा बोलता है। ओ मगर भाषा अच्छा नहीं लगता आपको? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। आपको कौन सा भाषा अच्छा लगता है? हिंदी, नेपाली। हिंदी भी अच्छा है ना? हाँ। हिंदी? हाँ। इंडिया और दिल्ली। दिल्ली अच्छा लगता है? दिल्ली का बम्बई का बहुत अच्छा है ना। प्योर हिंदी। प्योर हिंदी ना। सो गाइस, बोझे के पास तो अपना छतरी है, बट मेरे पास कुछ नहीं है। सो आई एम फीलिंग टू हॉट। उधर छीने में हिंदी नहीं बोला ना, आसान भाषा। इनका वो तो आसामीज भाषा हो गया ना, तो आपको आसामीज भी आता है? जा बोला आगे। हाँ, बोही भी। हाँ, बोही भी। हाँ, बोही भी बोलता है ना। और क्या बोलते हैं? बो। अच्छा है। गाइस, इस वक्त अभी हम लोग ऐसे रास्ते के किनारे हैं। हो गया बोझे इतना ज्यादा? ठेरो ठेरो। पहले बोझे इतना बात नहीं करती थी नेपाली में, जब हम बात करते थे तो कुछ ही कुछ मतलब काम की चीजें केवल बात करती थी। अभी जब से मैंने उनसे हिंदी में बात करना शुरू किया तो वो और भी खुल के मुझसे बात करती है ना बोझे। इधर देखे ना। हाय गाइस बोल दीजिए तो एक बार। इधर देखे ना एक बार। बोले हाय गाइस। हाय गाइस बोले। हाय भाई, क्या क्या करना? गरम हो गया, मर गया का? अभी तो आपको बहुत जवान है। बहुत गर्म है ना? हाँ, मरेगा। ये आप जो वीडियो बना रहे ना अभी, तो आपको पूरा इंडिया में देखेगा आदमी। सची? हाँ, वो नहीं की तो ऐसे हम वीडियो बनाते हैं ना तो मोबाइल में आ जाता है वो। हाँ, तो पूरा आदमी देखेगा आपको, तो आप आपका पहले पहले का दोस्त भी आपको शायद देख सकेगा। आपका दोस्त लोग को याद आता है इंडिया का? इंडिया में दोस्त था आपका? नहीं नहीं था। कौन था? सिर्फ सब गया, सब कहाँ गया? ऊपर सब गया। कहाँ गया? ऊपर घर में गया, भगवान का घर में गया बोला। तो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा यहाँ से लेंगे, उसके बाद आज बोजू के साथ ही मेरा बिल्कुल नहीं आए ना साथ। कौन? हम तो खाने के लिए मांग गया ना। क्या मांग गया? नहीं मोरा ना फिर। अभी क्या मांग गया? क्या मांग गया? अभी तक बाज गया ना, तो हो गया आज के लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे। साथी नहीं है तो प्रिजर्वेटिव, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा होने से भी चाहिए, मतलब हर एक चीज को इतना बारीकी से वो देखती है। सो आफ्टर टेलिंग हर फिर हो गया इवेंट, नाउ आल्सो शी इज सर्चिंग। तो चलिए चलते हैं हम लोग। हो गया था ना? चलेगा। दो दिन चलेगा? बहुत दिन चलेगा ये। यहाँ से जाएगा जाम। ऐसा मिस भी बोलते है वो। सुपर स्टम निकल गया रे, आज तो बोझो कुछ खिलाएगा। चल चल चल। तो ये सुंदर सुंदर पुतली कहाँ जा रही है? यहाँ में तो शादी होता रहता है ना। हमने ऊपर जाएगा क्या? उधर वो ऊपर में देखे तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? छाता नहीं ले आया।
छाता आप लेके आए, मेरा तो नहीं है। आपको पूरा पालू में मतलब ना माँ का? हाँ, गुरु माँ, गुरु गुरु माँ। इतना ज्यादा नींबू इन का मैं तो अभी अभी मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बस स्टेशन है। बस स्टेशन है ना, थोड़ा छाती उड़ाइए ना, ढालबा की थोड़ा ढालबा की छाती उड़ाइए ना। खोला भी है या मैं कब आएगा? कल परसों। हाँ, खजूर इधर जाएगा। चलिए तो यार भी मछली मार सकते। ओ, खोला है। मुझे इधर देखिए तो, इधर पीछे। हाय हाय, हाँ देख रहा, दिखाया तो गंदा हो गया ना, मेरा तो गंदा हो गया। गंदा जाने ये गांव का नाम क्या है? बजे नहीं जानते, सिर्फ घूमते है। क्या क्या किसके साथ में पूछेगा, किसको पूछेगा? घर जाने के बाद पूछना पड़ेगा। ये क्या गुटी है इसमें? सिमल चौक। हाँ, वो जो गई जाके बैठेगा, थोड़ा गर्म हो गया ना, हवा खाएंगे। बोला साथी, मेरे साथी बुढ़ी बुढ़ी साथी क्या है? बुढ़ी है लेकिन लेकिन हम तो बड़ा है ना। आप बड़ा बुढ़ी, उनका छोटा है ना। आप उसको कैसे बुढ़ी बोल दे ऐसे अपने दोस्त को? काम काम है ना, काम है ना। पे बोजू अपने एक फ्रेंड के बारे में बात कर रही है। उनका एक ही दोस्त है, हम लोगों के सामने एक रहती है, ओजी है। वो उनसे उम्र में थोड़ी छोटी है, बट दोनों सिमिलर ही दिखती है, थोड़ा छोटा है बता रही है। तो बोजे बहुत एक्टिव रहती है इधर उधर घूमने के लिए। तो जब भी बोजे उनको कहती है कि चले इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो क्या बोलती है? इधर उधर देख के, इधर उधर देख के सीधा चली जाती है। बोझे को देखने का मौका नहीं, खड़ा होने में नहीं मिलेगा, चलेगा सीधा, घूमने नहीं देता ना। हाँ, मतलब उनका कहना है कि कंप्लेन ये है कि उन ओजी से कि वो क्या है, सीधा चलती रहती है, मतलब इधर उधर देखती नहीं है ना, बोझू को घूमने नहीं देती। देखो इधर देख रहे हैं, समझ गया। यहाँ में भी स्कूल है, DFS खत्म खत्म माने फिनिश, घर में बैठे। इधर हवा का महसूस हुआ तो हम लोग यहीं पे बैठ गए। बोझू क्या हो गया, बोझू क्या हो गया, थक गया भैया। हम लोग मम्मी लोग भी किया था ना ऐसा, खेतरी में तो और भी ऐसे नियम करते हैं ना। उन लोग तो किसी को छुआ छू भी नहीं होता है, बहुत दुखा होता है। और बोझू अभी और कितना दूर है हम लोग घर जाने के लिए? कितना दूर है? और मुख से बोलना है ना, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल पहुंच गया? इधर के सिनेमा हॉल, उधर को नहीं, इधर पहले पुराने सिनेमा इधर ही आए, बहुत बड़ा है ना, देख के जाएगा। हाँ ठीक है, चल छोरी को छोरी तपाई मगरको छोरी हो थापा ओ थापा इधर देखे देखो फोटो खींचे थापा 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 को पापा क्या मेरा मेरा पास है। चल चलो, आज मुझे कहाँ कहाँ से कौन कौन से गली से लेके जा रही है उन्हीं को पता है, क्योंकि वो मेरी गाइड बन के आज मुझे घुमा रही है। ओ तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। आप इतना चलते थक थक के बैठ बैठ के घूमते है ना। सब हमें चिड़िया दिखे जैसे आए, आकर वहाँ पे एक बोजू बैठी हुई थी, एक बुरी दादी बैठी हुई थी, तो बोजू सीधा चली गई उनके पास और इतना गफ मार रही है। बाद में मुझे पता चला कि शी डोंट नो हर बट स्टिल शी इज टॉकिंग विद हर, वो बुरी बुरी वाला कनेक्शन। पानी
चिसो छैन हौ तल कार्पेट छ चट्टा छैन बाई बाई कर दो बाई बाई मुझे लगा था कि केवल हम लोग ही अपने दोस्तों को मिलते हैं तो मतलब गप मारते हैं तो बुरी लोगों का भी कुछ ऐसा याद है जब से मिली है आधा घंटा हो गया ज्यादा हो गया मतलब उठती नहीं जब तक ग्यारह बज गया तो और मारिए गप और गप मारिए चलो तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं गर्म तो हुआ है प्यास भी लगा है वहां से पानी तो पी सकते थे लेकिन घर जाके पियेंगे हम तो यहाँ में कुछ हो रहा है पूजा हम लोग आ गया तो चलो भाई स्मार्ट पता नहीं कौन कौन से रास्ते से होके आए लेकिन फाइनली हम घर पहुंचे मुख भी सूख गया वाला था घर यहाँ पे हमारा इसी गली में तो वही तो बोल रहा प्यास लग गया आप ही जाए ये है हमारा घर देखा तो क्या ब्रूस चले चले सीधा आगे देखे तो ठीक है देखे तो कैसा है अच्छा है आपका मेहनत यही है पानी हम लोगों का लंच है बोझ और मेरा आज पूरा डे है ना हो जाए हम लोग खाना खाने वाले बहुत गर्म अच्छा नहीं है गर्म है बोलकर मेरा पता नहीं लाओ है टमाटर का चटनी है दाल है कुकुम्बर है नमक है और यहाँ में फिश है फिश आपको फिश मिला है मम्मी को देगा इधर में ठीक है हमारा है रात को तो इसको बंद कर देते हम लोग जाने कितने तो गाइस अभी हम लोग रूम पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ पे मूवी सीरियल देख रहे हैं बोझू भी यहाँ रेस्ट कर रहे हैं बाय बाय कर दीजिए अभी बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाद में मिलेंगे बोल दीजिए एक बार बाद में मिलेंगे बोले बाबू है ना बाद में मिलेंगे ढेर सारे हिंदी वर्ड्स के साथ हिंदी बातों के साथ बोझे को मैं अच्छे से ट्रेन करूंगी हिंदी कैसे बोलते हैं पहले मैं भी अच्छे से सीख लूँ मतलब मुझे तो आती है मतलब मैं सीख तो आती है तो बोझे भी सीखना चाहती हूँ उनसे बात करना चाहती हूँ हिंदी में तो हम बने रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट मिनी ब्लॉग तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूँगी बट सडनली वी वेंट जैसे मैंने बताया कि मैं बोझे के साथ अचानक से निकल गई कहाई पे तो मैंने सोचा कि बोझू के साथ एक क्यूट से मोमेंट मैं आपके साथ कैप्चर करूँ और आपको दिखाऊं कि बहुत सारी बातें हमारे साथ जो हमने जो जो किए तो बस यही था आज का ब्लॉग थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग